नमस्कार, मैं हूं नेहा साहिन। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 21 सितंबर, दिन शनिवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले सबसे पहले नजर डाल लेते हैं सुर्खियों पर। किसी 5 सितारा होटल से कम नहीं है बिहार म्यूजियम की लाइब्रेरी। विदेशी यहां आकर करते हैं रिसर्च, जानिए क्यों है इतना खास। बीपीएससी में अब तक की सबसे बड़ी वैकेंसी, 17वीं भर्ती परीक्षा में 1964 पदों के लिए निकाली गई भर्ती। bpsc.bih.nic.in पर जाकर देखिए अधिसूचना। बिहार में भूमि सर्वेक्षण काम रहेगा जारी, दस्तावेज जमा करने की बढ़ेगी समय सीमा। भूमि सुधार मंत्री दिलीप जायसवाल ने दी जानकारी। नवादा आमदनी मामले में प्रभारी थाना अध्यक्ष नीलेश कुमार लाइन हाजिर, एसपी ने मांगा स्पष्टीकरण। सूचना संकलन में लापरवाही बरतने का लगा आरोप। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में बड़ा बदलाव, पीएफ अकाउंट होल्डर सब 50,000 की जगह 1,00,000 रुपए तक निकाल सकते हैं रुपए। और पहले टेस्ट मैच में भारत की पकड़ मजबूत, भारत ने बनाई 308 रनों की बढ़त, विराट और रोहित शर्मा हुए फेल। अब खबरें विस्तार से। सरकारी नौकरी की राह देख रहे हैं तो ये खबर आपके काम की है। रेलवे ने एनटीपीसी पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। जिन उम्मीदवारों को रेलवे की नौकरियों में रुचि है वे आज से आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने की अंतिम तारीख 20 अक्टूबर 2024 है। कुल 3,445 पदों के लिए भर्ती की जाएंगी। बता दें कि कमर्शियल सह टिकट क्लर्क 2,022 पद, अकाउंट्स क्लर्क सह टाइपिस्ट पद के लिए 361, जूनियर क्लर्क सह टाइपिस्ट 990 और ट्रेन क्लर्क के 75 पदों पर भर्ती की जाएगी। उम्मीदवारों को किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10+2 परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। उम्मीदवारों की आयु 18 से 33 वर्ष के बीच होना चाहिए। अधिक जानकारी के लिए उम्मीदवार आधिकारिक नोटिफिकेशन को देख सकते हैं। ऑनलाइन उपलब्ध पुरानी जमाबंदी में सुधार के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू है। इसके लिए आपको हमारे स्क्रीन पर दिखाए गए वेबसाइट पर जाना होगा। यहां परिमार्जन प्लस पर क्लिक कर खुद को मोबाइल नंबर से रजिस्टर कर लॉगिन कर लें, फिर परिमार्जन प्लस पर क्लिक करें। यहां जमाबंदी में सुधार वाले ऑप्शन में जाएं, डिजिटल जमाबंदी में सुधार पर क्लिक करें। यहां मांगे जा रहे डिटेल्स को भर दें। जमाबंदी में जिस भी बदलाव के लिए आपको आवेदन करना है उसे सिलेक्ट कर लीजिए। यहाँ संबंधित विवरण भरिए जिसे सेक्शन में बदलाव करना है। जिस सेक्शन में बदलाव करना है वहाँ यस के ऑप्शन पर क्लिक कर दें। ऑप्शन पर क्लिक करते ही विवरण बदलने का परपत्र खुल जाएगा। आगे की प्रक्रिया पूरी कर इसमें बदलाव कर दें, फिर इसे अपडेट कर दें। आगे शपथ पत्र अपलोड कर आवेदन को फाइनल सबमिट करें। ऐसा करते ही आपको पावती संख्या मिलेगी, इससे आप स्टेटस का पता लगा सकते हैं। पटना स्थित बिहार म्यूजियम की लाइब्रेरी अपने खूबसूरत इंटीरियर्स और अद्भुत संग्रह के लिए जानी जाती है। यह स्थान कला, संस्कृति और पुरातत्व प्रेमियों के लिए एक अद्वितीय अनुभव प्रदान करता है। लाइब्रेरी में लगभग 5,000 पुस्तकें उपलब्ध हैं, जिनमें 100 से 150 वर्ष पुरानी धार्मिक ग्रंथ भी शामिल है। यहाँ के स्टडी सेंटर में 40 से 50 लोगों की बैठने की क्षमता है और ये सुबह 10 बजे से शाम 7 बजे तक खुला रहता है। शोधार्थी और छात्र यहाँ आकर विभिन्न विषयों पर अध्ययन कर सकते हैं। बिहार म्यूजियम की इस लाइब्रेरी में रामायण की चित्रित प्रति भी मौजूद है जो इसे और भी खास बनाती है। राज्य के बीएड कॉलेजों में नामांकन प्रक्रिया के 3 राउंड पूरे होने के बाद 88.02% यानी कि 32,831 सीटें भर गई हैं। अब केवल 4,469 सीटें शेष हैं। चौथे राउंड का नामांकन आज यानी 21 सितंबर से शुरू होगा, 22 सितंबर तक चलेगा। नोडल संस्था ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी द्वारा चौथे राउंड के लिए बीते दिन कॉलेज वाइज सीटों की संख्या ऑनलाइन जारी कर दी गई है। अलॉटमेंट लिस्ट 24 सितंबर को जारी होगी, जिसके बाद चयनित अभ्यर्थियों को 24 से 28 सितंबर के बीच आंशिक फीस जमा करनी होगी। प्रोफेसर अशोक कुमार मेहता ने बताया कि काउंसलिंग का जिम्मा विश्वविद्यालय के बीएड नोडल पदाधिकारी को सौंपा गया है।
बीते दिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना और वैशाली जिले में गंगा नदी के बढ़ते जलस्तर के कारण बनी बाढ़ की स्थिति का हवाई सर्वेक्षण कर जायजा लिया और अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जल संसाधन विभाग पूरी तरह मुस्तैद रहे और लगातार मॉनिटरिंग करते रहे। वरीय पदाधिकारी स्थल पर कैंप करते रहे। आपदा प्रबंधन विभाग सतत अनुश्रवण करते रहे कि और क्या क्या करने की जरूरत है ताकि लोगों को कोई समस्या नहीं हो। बाढ़ की स्थिति में प्रभावितों को एसओपी के अनुसार पूरी सहायता उपलब्ध कराई जाए। झंझारपुर मोकामा और बढ़िया रेलवे स्टेशनों को अमृत भारत योजना में शामिल किया गया है। रेल मंत्रालय ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं। इससे इन स्टेशनों को विश्व स्तरीय सुविधाएं मिलने जा रही हैं, जिससे यात्रियों को बेहतर अनुभव मिलेगा। केंद्रीय मंत्री और मुंगेर से सांसद ललन सिंह ने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का आभार व्यक्त किया। जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने भी इस फैसले को झंझारपुर के रेल यात्रियों के लिए एक बड़ी सौगात बताया है। बता दें कि राज्य के 40 से अधिक रेलवे स्टेशन पहले से अमृत भारत योजना में शामिल हैं और अब 3 स्टेशनों के जुड़ने से ये संख्या बढ़ गई। बीपीएससी ने 17वीं संयुक्त सिविल सेवा प्रतियोगिता परीक्षा के लिए 1964 पदों की भर्ती का ऐलान किया है। बीते दिन आयोग के अध्यक्ष परमार रवि मनु भाई ने इसकी जानकारी दी है। 1929 पदों के लिए अधियाचन मिल चुकी है, जबकि 35 अन्य पदों की अधियाचन 2 विभागों से आना बाकी है। बीपीएससी की इस भर्ती में 50% आरक्षण के नियमों के तहत आवेदन लिए जाएंगे। पीटी परीक्षा नवम्बर के 2 सप्ताह में आयोजित की जाएंगी। मेंस परीक्षा के लिए वैकेंसी से 10 गुना अभ्यर्थियों को लिया जाएगा। फरवरी मार्च में मेंस एग्जाम होगा। इंटरव्यू के लिए वैकेंसी से 2.5 गुना अभ्यर्थियों को लिया जाएगा। परीक्षा में निगेटिव मार्किंग की व्यवस्था होगी। उम्मीदवार अधिक जानकारी के लिए बीपीएससी की आधिकारिक वेबसाइट हमारे स्क्रीन पर दिखाए गए वेबसाइट पर जा सकते हैं। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ ने अपने नियमों में महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। केंद्रीय श्रम मंत्री मनसुख मंडाविया ने हाल ही में घोषणा की है कि पीएफ अकाउंट होल्डर्स अब 50,000 की जगह 1,00,000 रुपए तक एकमुश्त राशि निकाल सकते हैं। ये सुविधा तब तक उपलब्ध होगी जब परिवार में कोई इमरजेंसी पड़ जाए। इसके अलावा नौकरी शुरू होने के 6 महीने के भीतर भी पीएफ अकाउंट से निकासी की सुविधा दी गई है। पहले कर्मचारियों को निकासी के लिए इंतजार करना पड़ता था, लेकिन अब यदि कोई कर्मचारी 6 महीने के भीतर नौकरी छोड़ता है तो वे आसानी से अपने पीएफ अकाउंट से पैसे निकाल सकेगा। नवादा के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के देदौर कृष्णा नगर में हुई आगजनी की घटना में बीते दिन थानाध्यक्ष नीलेश कुमार को लाइन हाजिर कर दिया गया है। एसपी अभिनव धीमन ने बताया कि घटना स्थल से थाना की दूरी कम होने के बावजूद सूचना संकलन में लापरवाही पाई गई है। एसपी ने यह भी कहा कि मामले में अब तक मुख्य आरोपित नंदू पासवान समेत 15 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। आगे की कार्रवाई के लिए अन्य संलिप्त लोगों की गिरफ्तारी हेतु छापेमारी जारी है। एसपी ने कहा यदि अन्य की लापरवाही सामने आई तो उन पर भी कठोर कार्रवाई की जाएगी। युवाओं के लिए एक सुनहरा अवसर, बता दें भागलपुर के सेंडिस कंपाउंड में आज कार्यक्रम सह मार्गदर्शन मेला का आयोजन किया जा रहा है। ये कैंप आज सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक चलेगा। इस कैंप में 8वीं 10वीं 12वीं KYP स्नातक PG ITI डिप्लोमा BTEC MBA धारक भाग ले सकते हैं। बता दें कि इस कैंप में भाग लेने वाले आवेदकों को NCS पोर्टल www.ncs.gov.in पर रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य है। ये जानकारी IPRD के जरिए दी गई है। पटना में दशहरा की तैयारियां जोर शोर से शुरू हो गई है। श्री दशहरा कमेटी ट्रस्ट के अध्यक्ष अरुण कुमार ने जानकारी दी है कि इस वर्ष रावण 80 फीट ऊंचा होगा, कुंभकर्ण का पुतला 75 फीट और मेघनाथ का पुतला 70 फीट का बनाया जाएगा। रावण दहन का कार्यक्रम 12 अक्टूबर को होगा। उन्होंने बताया कि खराब मौसम या बारिश की स्थिति में रावण का पुतला जलने में कोई बाधा नहीं आएगी, इसकी पूरी व्यवस्था की जा रही है। इसके अलावा दशहरा समारोह से पहले पटना के ठाकुरबाड़ी में 11 दिनों तक रामलीला का आयोजन होगा, जिसमें वृंदावन से 30 कलाकार हिस्सा लेंगे। बिहार में बारिश पर ब्रेक लग चुका है। बिहार का मौसम एक बार फिर से करवट ले चुका है और सुबह में पिछले दिनों हुई बारिश के बाद अब गर्मी और उमस ने फिर से लोगों को परेशान करना शुरू कर दिया है। मौसम विभाग ने बिहार में आज से 22 सितंबर तक मौसम शुष्क रहने का पूर्वानुमान जारी किया है।
इसके अनुसार 23 सितंबर से 25 सितंबर तक एक दो स्थानों पर हल्की बूंदाबांदी एवं मध्यम स्तर की वर्षा के आसार जताए गए हैं। विभाग के मुताबिक मॉनसून की विदाई शुरू हो चुकी है। वहीं शनिवार का अधिकतम तापमान 35.6 डिग्री सेल्सियस तो न्यूनतम तापमान 27.5 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। बिहार सरकार ने हाल ही में संकेत दिया है कि भूमि मालिकों को अपने दस्तावेज जमा करने के लिए और समय दिया जाएगा। ये निर्णय तब लिया गया जब राज्य में जमीन मालिकों को सर्वे के दौरान कई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। राज्य के भूमि सुधार मंत्री और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने बीते दिन ये स्पष्ट किया कि सर्वे का काम रुकने वाला नहीं है, बल्कि इसे निरंतरता प्रदान की जाएगी। नेहा शर्मा, जो अपने शानदार अभिनय और फैशन सेंस के लिए जानी जाती हैं, अब एक नए सफर पर निकलने जा रही है। उन्होंने हाल ही में अपने नए जापानी रेस्तरा कॉल मी 10 की लॉन्च करने की घोषणा की है, जो खाने के शौकीनों के लिए एक बेहतरीन अनुभव देगा। नेहा ने कहा कि मुझे हमेशा से भोजन का शौक रहा है और कॉल मी 10 खोलना मेरे लिए एक सपने के सच होने जैसा है। उन्होंने कहा कि कॉल मी 10 आधिकारिक तौर पर 22 सितंबर को दिल्ली के वसंत बिहार में खुलेगा। बता दें, नेहा शर्मा मूल रूप से बिहार के लक्ष्मीपुर की निवासी हैं। बीते दिन विद्युत भवन में स्मार्ट प्रीपेड मीटर को लेकर एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला में बिजली कंपनी के CMD पंकज कुमार पाल ने सभी जनप्रतिनिधियों के घरों में स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने का निर्देश दिया है। CMD ने यह भी बताया कि उपभोक्ताओं को समझाने के लिए स्थानीय जनप्रतिनिधियों की मदद ली जाएगी। इसके साथ ही सभी सरकारी भवनों में 30 नवम्बर तक स्मार्ट प्रीपेड मीटर अनिवार्य रूप से लगाने का आदेश दिया गया है। अधीक्षण अभियंता को इस पर विशेष ध्यान देने के लिए कहा गया है। बिहार के विश्वविद्यालयों के अंगीभूत महाविद्यालयों में 171 प्रधानाचार्यों की नियुक्ति जल्दी होने वाली है। ये नियुक्ति बिहार विश्वविद्यालय सेवा आयोग के माध्यम से की जाएगी, जिसके लिए 290 अभ्यर्थियों ने आवेदन दिया है। आवेदनों की स्क्रूटनी प्रक्रिया चल रही है, जिसमें ये देखा जा रहा है कि आवेदक निर्धारित अर्हता को पूरा करते हैं या नहीं। बता दें कि राज्य के 268 अंगीभूत महाविद्यालयों में लंबे समय से प्रधानाचार्यों की नियुक्ति नहीं हुई है, जिसके कारण प्रभारी प्रधानाचार्य से काम चलाया जा रहा है। राज्यपाल विश्वनाथ आलिंगकर ने इस मामले को गंभीरता से लिया है और पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय के कुलपति को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। प्रधानाचार्यों की नियुक्ति के बाद 171 महाविद्यालयों को नियमित प्रधानाचार्य मिलेंगे। उत्तर बिहार के लोगों के लिए एक बड़ी खुशखबरी सामने आई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा ने घोषणा की है कि PM नरेंद्र मोदी अगले महीने दरभंगा एम्स की आधारशिला रखेंगे। जमीन की समस्या के समाधान के बाद निर्माण काम के लिए तैयारियां शुरू हो गई हैं। IIT दिल्ली को तकनीकी सहयोग देने के लिए चुना गया है, ताकि लो लैंड एरिया में भवन निर्माण की चुनौतियों का सामना किया जा सके। यह परियोजना दरभंगा शहर के लोगों के लिए स्वास्थ्य सेवाओं की एक नई उम्मीद लेकर आएगी। हालांकि शिलान्यास की तारीख अभी तय नहीं हुई है। CBI ने NEET UG 2024 पेपर लीक केस में बीते दिन बिहार की राजधानी पटना में 6 आरोपियों के खिलाफ दूसरा आरोप पत्र दायर किया है। बता दें, CBI ने अब तक इस मामले में 40 से अधिक आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और 58 स्थानों पर तलाशी ली गई है। चार्जशीट में शामिल 6 अपराधियों में बलदेव कुमार उर्फ चिंटू, सनी कुमार, डॉक्टर एहसानुल हक प्रधानाचार्य ओएसएस स्कूल हजारीबाग, मोहम्मद इम्तियाज आलम उप प्रधानाचार्य ओएसएस स्कूल, रिपोर्टर जमालुद्दीन उर्फ जमाल और अमन कुमार सिंह शामिल है। नवादा जिले में दलितों के 80 से ज्यादा घर जलाने की घटना ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। इस पर कांग्रेस पार्टी ने एक महत्वपूर्ण घोषणा की है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह ने कहा कि घटना बेहद दुखद है और सत्ता में बैठे लोगों से जवाब मांगते हैं कि ऐसी घटनाएं कैसे हो रही हैं। उन्होंने कहा कि जिनके घर जलाए गए हैं उनके पास भूमि के कागजात हैं, इस मामले में तत्काल कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने ये स्पष्ट किया कि यदि सरकार अगले 7 दिनों के अंदर इन परिवारों के लिए नए घर नहीं बनवाती है तो कांग्रेस पार्टी अपने खर्चे से घर बनवाने का काम करेगी। बीते दिन सुपौल में आयोजित एक जनसभा में प्रशांत किशोर ने 5 प्रमुख कार्यों की घोषणाएं की। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार आने पर वरिष्ठ नागरिकों के लिए पेंशन में बढ़ोतरी, महिलाओं के लिए सस्ती ब्याज दर पर लोन, गांव में रोजगार के अवसर, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार, नकदी फसल उगाने वाले किसानों को श्रमिक सुविधा प्रदान की जाएगी।
भारत और बांग्लादेश के बीच चल रहे टेस्ट मैच के दूसरे दिन भारत की पहली पारी 376 रनों पर समाप्त हुई। बांग्लादेश की टीम जवाब में केवल 149 रनों पर सिमट के रह गई, जिससे भारत को पहली पारी के आधार पर 227 रनों की बढ़त मिली। भारतीय गेंदबाजों का प्रदर्शन शानदार रहा। जसप्रीत बुमराह ने 4 विकेट लिए, जबकि मोहम्मद सिराज और रविंद्र जडेजा ने 2-2 विकेट चटकाए। वहीं दूसरी पारी में भारत ने 3 विकेट पर 81 रन बना लिए हैं, जिसमें शुभमन गिल 33 और ऋषभ पंत 12 रन बनाकर क्रीज पर हैं। हालांकि कप्तान रोहित शर्मा और विराट कोहली जल्दी आउट हो गए। भारत को कुल 308 रनों की बढ़त मिली। आपके राय में रोहित शर्मा और विराट कोहली मौजूदा फॉर्म को देखते हुए टेस्ट मैच से संन्यास लेना चाहिए या नहीं, इसका जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। कई कारणों से दर्ज है भारत के इतिहास में आज की तारीख। आज के दिन सन 2000 में भारत एवं ब्रिटेन के बीच बेहतर संबंध के लिए लिबरल डेमोक्रेटिक फ्रेंड्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना हुई थी। आज के दिन 2009 में बीजेपी आलाकमान ने महाराष्ट्र और हरियाणा विधानसभा के लिए उम्मीदवारों की दूसरी सूची जारी की थी। आज के दिन सन 1857 में बहादुर शाह द्वितीय ने अंग्रेजों के समक्ष आत्मसमर्पण किया था। और आज के दिन सन 1991 में भारतीय महिला खिलाड़ी दीपिका पल्लिकल का जन्म हुआ था। आज ही के दिन सन 1977 में बॉलीवुड अभिनेत्री करीना कपूर का जन्म हुआ था। और आज ही के दिन 2022 में भारत के प्रसिद्ध हास्य कलाकार और अभिनेता राजू श्रीवास्तव का निधन हो गया था। व्हाट्सएप पर वायरल हो रहे एक मैसेज में वित्त मंत्रालय के नाम पर दावा किया जा रहा है कि गरीब वर्ग को 46,715 रुपए की वित्तीय सहायता दी जाएगी। इस मैसेज के साथ एक लिंक भी साझा किए जा रहे हैं, जिसमें रिसीवर से उनकी पर्सनल जानकारी भी मांगी जा रही है। लेकिन ये दावा पूरी तरह से फर्जी है। वित्त मंत्रालय द्वारा ऐसी किसी भी सहायता की घोषणा नहीं की गई है। इस तरह की खबरों पर विश्वास करने से आपको बचना चाहिए। निजी जानकारी साझा करने पर या लिंक पर क्लिक करने पर ये आपको वित्तीय नुकसान पहुंचा सकता है। पीआईबी फैक्ट चेक ने इस खबर को शेयर करते हुए फर्जी बताया है। TRAI 1 अक्टूबर से नया नियम लागू करने वाला है। बता दें कि ट्राई ने टेलीकॉम कंपनियों के लिए 4G और 5G नेटवर्क को सुधारने के लिए सख्त क्वालिटी नॉर्म्स बनाए हैं। इनका उल्लंघन करने पर कंपनियों पर भारी जुर्माना लगाया जा सकता है। इसके अलावा टेलीकॉम ऑपरेटर्स को फर्जी SMS और कॉल पर लगाम लगाने की सख्त हिदायत दी गई है। TRAI ने क्वालिटी ऑफ सर्विस हासिल नहीं कर पाने वाले ऑपरेटर्स पर जुर्माने की रकम को भी बढ़ा दिया है। पहले ये जुर्माना 50,000 रुपए तक लगता था, जिसे अब बढ़ाकर 1,00,000 रुपए तक कर दिया गया है। इसके अलावा अलग अलग चीजों पर जुर्माने की रकम को बढ़ाने का फैसला लिया गया है। शेयर बाजार ने एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। भारतीय शेयर बाजार ने अपने ऑल टाइम हाई को छू लिया। BSE सेंसेक्स ने 1500 अंकों की बढ़त के साथ 84,694.46 पर पहुंचने के बाद बाजार बंद होने पर 1,359.51 अंकों की बढ़त के साथ 84,544.31 पर रहा। वहीं निफ्टी भी 400 अंकों से अधिक तेजी के साथ अपने नए रिकॉर्ड 85,849.25 पर पहुंच गया, जबकि बंद होने पर ये 375 अंकों की बढ़त के साथ 25,790.95 पर रहा। निफ्टी बैंक में भी जोरदार उछाल देखने को मिला। BSE सेंसेक्स के टॉप 30 शेयरों में से 28 में तेजी रही, जबकि सिर्फ 2 में ही गिरावट देखी गई। हॉट स्टॉक्स में 6% के साथ MSM, ICICI बैंक और JSW स्टील शामिल रहे। हम प्रतिदिन आपसे 5 ऐसे जरूरी सवाल और उसके जवाब बताएंगे, जो कि BPSC, बिहार पुलिस, दरोगा समेत SSC जैसी अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में आपके काम आएंगे। सवाल इतिहास से होगा, बिहार स्पेशल, विज्ञान, करंट अफेयर्स और भूगोल से भी होंगे। पूछे गए 5 सवालों में आपने कितना सही उत्तर दिया, ये हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। हमारा पहला सवाल है, हाल ही में किसकी अध्यक्षता में ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के संरक्षण के लिए समिति गठित की गई है? ऑप्शन ए है पंकज मिश्रा, ऑप्शन बी है DY चंद्रचूड़, ऑप्शन सी है अरुण गोयल और ऑप्शन डी है फेलिक्सर मेसिकेटी। इसका सही आंसर होगा DY चंद्रचूड़।
हाल ही में कहा पाम संडे का त्यौहार पारंपरिक श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया गया है। ऑप्शन ए है गुजरात, ऑप्शन बी है जम्मू कश्मीर, ऑप्शन सी है मिजोरम और ऑप्शन डी है पश्चिम बंगाल। इसका सही आंसर होगा मिजोरम। हाल ही में किसने एनसीआरबी का संकलन ऐप लॉन्च किया है? ऑप्शन ए है प्रहलाद जोशी, ऑप्शन बी है निर्मला सीतारमन, ऑप्शन सी है अमित शाह और ऑप्शन डी है एस जयशंकर। इसका सही आंसर होगा अमित शाह। बिहार सोशलिस्ट पार्टी के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए है रामवृक्ष बेनीपुरी, ऑप्शन बी है आचार्य नरेंद्र देव, ऑप्शन सी है कर्पूरी ठाकुर और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा आचार्य नरेंद्र देव। बिहार का कौन सा कप फुटबॉल से संबंधित है? ऑप्शन ए है प्रेसिडेंट कप, ऑप्शन बी है जयपाल सिंह कप और ऑप्शन सी है कंजस कप, ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। इसका सही आंसर होगा प्रेसिडेंट कप। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप लोगों में से बहुत लोगों ने हमारे कमेंट बॉक्स सेक्शन में लिख कर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है सपना कुमारी, आलोक प्रियदर्शी, दीपक कुमार, रूपा कुमारी, अशोक कुमार, नीतीश कुमार, जितेंद्र ठाकुर, मोहम्मद अरमान, नंद कुमार सिंह, नौसाद रजा, मोहम्मद फैयाज, रॉकी आजाद, राम बाबू दास, निर्मल कुमार, रवि मोहन वर्मा, मुन्ना प्रसाद, पवन कुमार, रिंकी कुमारी, अनवर करीम खान, राकेश मिश्रा, बिरजू कुमार, संजय कुमार शर्मा, मोहम्मद अजमेर, विपिन सिंह। इसी के साथ बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। और आज का सवाल है, आप किस चीज को सबसे ज्यादा महत्व देते हैं, पैसा, प्यार या फिर इंसान? इसका जवाब आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहिए बिहारी न्यूज। और साथ ही अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो जरूर करिए। धन्यवाद।